नमस्कार साथियों, साथियों पूरी दिल्ली एकजुट होकर इस कोरोना के महाकाल से लड़ रही है। आज दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी उनके नेतृत्व में पूरा का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, जितनी भी एजेंसियां हैं, मिलकर लगातार सरकार के साथ बेड बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जीटीबी में उन्होंने आईसीयू का सेटअप किया, एलएनजेपी में किया, नए कोविड केयर सेंटर बढ़ा रहे हैं। कोशिश यही है कि एक भी दिल्ली वाला का इलाज इस कारण ना रह पाए कि उसे बेड नहीं मिला, उसे आईसीयू नहीं मिला। बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे मस्जिद, बहुत सारे गुरुद्वारे, उन्होंने भी अपने किवाड़ खोले। बहुत सारे बिजनेसमैन, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब, हमारा पूरा एक घर खाली है, इसको आप ले लीजिए, इसको आप अपना कोविड केयर सेंटर बना दीजिए। बहुत सारे लोग इधर उधर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंतज़ाम कर रहे हैं, वो भी लोगों को, मरीज को दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक युद्ध लड़ रही है दिल्ली वालों से। आज तक दिल्ली के इस संघर्ष में एक भी काम ऐसा इन्होंने नहीं किया कि जिससे दिल्ली वालों का बचाव हो सके। इनके पास लगभग लगभग 3400 से 3500 बेड हैं दिल्ली के अंदर। इनके पास भी अस्पताल है, 3400 से 3500 बेड हैं इनके पास। हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कम से कम 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने दबाव बनाया, तब जाके इन्होंने 300 से 400 बेड कोविड के लिए रिजर्व किया। उसमें भी आधे से ज़्यादा बेड में कभी इन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, कभी किसी को कोई कारण बना के दूसरी जगह भेज देते थे। आपने देखा होगा इतना बुरा हाल कर रखा था कि 21 पेशेंट वहां से निकल के भाग गए। आज अब इन्होंने जो शुरुआत की है काम करने की, वो बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है। लगभग 3400-3500 जो बेड है इनके पास, उसमें एक अस्पताल है इनका, बालक राम अस्पताल हॉस्पिटल, उसको इन्होंने कोविड डिक्लेयर किया था कि ये कोविड का अस्पताल होगा, और 150 से 200 बेड इन्होंने रिजर्व किए थे कि उसमें कोविड के पेशेंट एडमिट होंगे। लेकिन बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, वर्बली ये कहा गया उस अस्पताल को कि इस अस्पताल को अब कोविड पेशेंट लेना बंद कर दीजिए, अब बालक राम अस्पताल कोविड पेशेंट नहीं लेगा। ये कोई ऑर्डर नहीं लिख रहा, लेकिन बालक राम हॉस्पिटल का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें जो उनके डॉक्टर हैं, उन्होंने लिखा कि उनको हायर अथॉरिटीज से ऑर्डर आए हैं कि बालक राम हॉस्पिटल के अंदर अब कोई भी मरीज नहीं लेना है, किसी भी मरीज का एडमिशन नहीं करना है। ऐसे समय में जब तीसरा वेव अपने चरम पे है, कभी भी आ सकता है हिंदुस्तान के अंदर। सिंगापुर में आज मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सिंगापुर में तीसरा स्ट्रेन आ गया है। ऐसे समय में जब दिल्ली वाले लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मान लिया कि 2-3 दिन से, 4 दिन से केसेस डाउन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोविड खत्म हो गया। हमें तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़िया करना चाहिए कि हम लड़ सकें इस कोविड में। ऐसे में चोर दरवाजे से अस्पताल बंद करना, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये गलत काम है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये क्रिमिनल एक्टिविटी में लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप अगर कुछ बेड ऐड नहीं कर सकते तो कम से कम घटाइए मत। अगर आप उस 3500 बेडों में से 1000-2000 बेड कोविड के लिए नहीं दे सकते, तो कम से कम जो 2-3 अस्पताल आपने 200-300 बेड आप जो चला रहे हैं, कम से कम उसको तो मत बंद करिए। ये बहुत ही गलत काम है, बहुत घिनौना काम है, और दिल्ली वालों के साथ एक बहुत भद्दा मजाक है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इस अस्पताल को चलने दिया जाए,
इसमें और बेहतर व्यवस्था की जाए, इस अस्पताल को बंद ना किया जाए, कोविड के पेशेंट का इलाज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल किसका है? ये डॉक्टर नारनोलिया करके हैं वहाँ के, उन्होंने इस ग्रुप में लिखा है कि कोई भी फर्दर एडमिशन अब नहीं होगा बालक राम में, और उनको हायर अथॉरिटीज से कहा गया है कि अब इसमें कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा। कब का ये तारीख क्या है? ये कल की है, कल की। कल की बोलिए इसका सर। केंद्र सरकार ने प्लाज्मा को कोविड ट्रीटमेंट से हटा दिया है। दिल्ली में आपकी सरकार ने कई प्लाज्मा बैंक स्थापित किए हैं, अब उनका क्या आगे रहेगा? अब इस पे सरकार ही कोई रिप्लाई कर सकती है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, ये मुझे पता तो है कि बंद हो गया, लेकिन अब सरकार और जो उनका मेडिकल पैनल है उस पर आगे क्या व्यू लेता है, आईसीएमआर से मिलके किस तरह से आगे गाइडलाइन बनाते हैं, उसका थोड़ा सा वेट करते हैं।